सब्सक्राइब कीजिए हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल को और दबाइए बेल आइकन को इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फेसबुक ट्रिक दिखाने वाला हूं और इस फेसबुक ट्रिक की मदद से आप अपने सारे फ्रेंड को एक साथ मैसेज सेंड कर पाएंगे, वो भी बस एक क्लिक करके। और ये जो ट्रिक है बहुत ही यूजफुल है अगर आपके पास एक बिजनेस है या कोई यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आप इस ट्रिक की मदद से अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट है और उसके अलावा आपके अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो उस चैनल को प्रोमोट कर पाएंगे। और इसके अलावा किसी भी ओकेशन पे, जैसे कि ईद, होली, इस तरह की जितने भी ओकेशन है, उन सारे ओकेशन में अपने सारे दोस्तों को एक साथ विशेस भी सेंड कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मुझे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए मैं फटाफट गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आज का जो ट्रिक है वो मैं गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग गूगल क्रोम ब्राउजर ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज का जो ट्रिक है वो गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर ही दिखा देता हूँ। तो अभी मुझे फेसबुक को ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए मैं फटाफट फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं facebook.com ओपन हो चुका है, तो चलिए मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ। अभी मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है और अभी मुझे सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर की जो मेनू आइकन है, ये वाला मेनू आइकन, इस मेनू आइकन के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद मुझे नीचे आकर ये जो सेटिंग्स ऑप्शन है इस ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे ये जो मेनू आइकन आपको दिख रहा है, इस मेनू आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और मेनू आइकन पे क्लिक करने के बाद मुझे नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आके ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और एक्सटेंशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, और ये सारे एक्सटेंशन पहले से ही मेरे गूगल क्रोम ब्राउजर पे ऐड है, तो मुझे एक न्यू एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फिर से ये जो मेनू आइकन है, इस मेनू आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद मुझे नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आके जो ओपन क्रोम वेब स्टोर ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो चुका है, और इस टैब में मुझे लेफ्ट साइड में एक सर्च ऑप्शन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा टूल किट फॉर फेसबुक। तो चलिए मैं फटाफट सर्च कर लेता हूँ, और सर्च करने के बाद सबसे पहला जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा वो है टूल किट फॉर FB बाय प्लग EX, और यही वाला एक्सटेंशन आपको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए आपको राइट साइड पे बिल्कुल यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, ये वाला जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन की राइट साइड पे ठीक यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपको एक ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा। और मैंने इस टूल किट को पहले से ही ऐड करके रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप जब इस टूल किट को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लेंगे, तब राइट साइड की कॉर्नर पे बिल्कुल यहाँ पे इस तरह की एक आइकॉन क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे गूगल क्रोम ब्राउजर पे पहले से ही ये आइकॉन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अभी मैं फेसबुक पे जाके आपको दिखाता हूँ कैसे इस टूल किट की मदद से आप सारे फ्रेंड को एक साथ मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आ चुका हूँ, और फेसबुक अकाउंट पे आने के बाद ये जो आइकॉन है, इस आइकॉन के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, टूल किट फॉर FB। इस आइकॉन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, और इस टूल किट की मदद से आप बहुत सारे काम कर पाएंगे, जैसे कि सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएंगे वन क्लिक में, और सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक करके। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप सारे फ्रेंड को एक साथ मैसेज सेंड कर पाएंगे।
और इस टूल की मदद से कैसे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा और स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेजिंग टूल्स का एक ऑप्शन मुझे मिल गया है और इस ऑप्शन के ठीक नीचे सेंड मैसेज टू मल्टीपल और ऑल फ्रेंड ऑप्शन एक मिल रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर मुझे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो चुका है और इस न्यू टैब में मुझे सबसे पहले राइट मैसेज का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, आप अगर सारे फ्रेंड को एक साथ होली की विशेस सेंड करना चाहते हैं या कुछ और विशेस सेंड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपको नीचे जाके सारे फ्रेंड को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो सिलेक्ट ऑल फ्रेंड ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद नीचे जाके ये जो स्टार्ट सेंडिंग मैसेज ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक मैसेज सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ। मैसेज टाइप करने के बाद मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा और नीचे आने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट टाइम इंटरवल बिटवीन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड की टाइम इंटरवल आपको मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम 1 to 2 मिनट का इंटरवल आपको मिल जाएगा। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10 सेकंड को ही चूज कीजिए। 10 सेकंड को चूज करने के बाद नीचे आके यहाँ पे मुझे सिलेक्ट ऑल फ्रेंड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी फ्रेंड है वो सारे फ्रेंड अभी सिलेक्ट हो चुका है। आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं सारे फ्रेंड अभी सिलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा और स्टार्ट सेंडिंग मैसेज के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है और नोटिफिकेशन में लिखा है कि मैसेज इज सेंट। तो इस तरह से एक के बाद एक मैसेज सेंट होता रहेगा। और अगर आप इस प्रोसेस को बीच में ही रोकना चाहते हैं तब आपको ये जो टैब है इस टैब को यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप इस टैब को क्लोज कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और सारे फ्रेंड को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तब आपको इस टैब को ओपन करके रखना पड़ेगा। आप किसी दूसरे टैब में जाके कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये जो एक्सटेंशन है वो अपना काम करता रहेगा और आप किसी दूसरे टैब में जाके अपना काम कर सकते हैं। और इस एक्सटेंशन को कुछ टाइम देना पड़ेगा सारे फ्रेंड को मैसेज सेंड करने के लिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल की फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो इस पेज को लाइक जरूर कीजिए। और हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल की फेसबुक पेज का जो लिंक है वो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ इस ट्रिक को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल का हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।